खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। सागर जिले के देवरी में स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना महामारी के चलते NH-26 पर भूखे प्यासे राहगीर जो अपने घर जा रहे हैं उन्हें भोजन कराया जा रहा है। साथ ही बड़े वाहन चालक जो जरूरी वस्तुओं का परिवहन कर रहे हैं और कई दिनों से घर से निकले हुए हैं, जिन्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, उनकी समस्याओं को समझते हुए प्रशासन ने पानी और सैनिटाइजर से हाथ धुलवा कर उन्हें भोजन कराया। साथ ही मास्क भी बांटे गए। खाना खिलाते समय इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया कि इस दौरान एक दूसरे में 2 मीटर की दूरी हो। अधिकारी कर्मचारियों ने राहगीरों को मुंह पर मास्क बांधने की नसीहत भी दी। राहगीरों ने देवरी के स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों के इस कदम की जमकर प्रशंसा की। बता दें कि इस मुहिम में प्रमुख रूप से SDM, तहसीलदार, SDOP, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी साथ ही स्थानीय समाज सेवी आगे आए हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर। जा कहाँ रहे हो? कानपुर। कानपुर जा रहे हो? तो कानपुर कहाँ से जा रहे हैं आप? बाइक से। बाइक से जा रहे हैं, तो आपको कहूँ भोजन वोजन की व्यवस्था मिली कि यहीं पर मिली? नहीं सर, यहीं मिली है। देवरी में मिली है आपको? तो कितने दिन से निकले हो आप? कल निकले थे। सुबह 8:30 बजे। अच्छा, तो अभी तक भोजन कर रहा है कहाँ? आप पहली बार भी भोजन किया है? 24 घंटे में भोजन मिला है? नहीं, चाय तक नहीं मिली कहीं। यानी देवरी प्रशासन द्वारा जो पहल की जा रही वो बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर, खाना पीना मिला, पानी वानी मिला सर। इस पे आप लोगों के सहयोग से और लोगों के सहयोग से की गई है, ये कब से चालू है, कब तक चलेगी, क्या है पूरी व्यवस्था? कल कुछ कर्मचारियों ने एकत्रित होकर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब लोगों ने शिक्षा से भोजन के पैकेट तैयार कराए थे, उनको हम लोगों के द्वारा वितरित किया गया। और तभी उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नगर के समाज सेवी और सारे अधिकारी कर्मचारियों को एकत्रित करके देवरी में बाहर से आने वाले फोर लाइन में जो भी लोग गुजर रहे हैं भूखे प्यासे, उनको भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनको मास्क देने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। आगे भी ये व्यवस्था चलती रहेगी। जैसे ही काम ये शुरू किया गया, आज की स्थिति में बहुत सारे समाज सेवियों की ओर से ये ऑफर आया हुआ है, किसी भी तरह की हम करने को तैयार हैं। और सारे गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि इस काम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, SDOP, TI, तहसीलदार, अन्य शिक्षा विभाग, BAC, BRC, ये सब लोग इसमें लगे हैं। कितने लोगों को अभी तक भोजन मिला है? अभी करीब हम लोग 600 लोगों का भोजन ऑलरेडी करा चुके हैं और ये कंटिन्यू व्यवस्था चल रही है। पैकेट बन के तैयार होके आते जा रहे हैं लोग, आते जा रहे हैं, उनको भोजन हम लोग कराते जा रहे हैं। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत, और हम गहनों को फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे। स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा सागर। खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास, हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं।